हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग सही होंगे और मजे में होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा आपने थंबनेल और टाइटल में तो देख लिया, तो आज हम बात करने वाले हैं गिटार के बारे में। तो ये है हमारा नया गिटार, ठीक है, दिख रहा है? ये देखो, ये है नया गिटार। वैसे ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। एक मिनट आ रहा हूँ मैं। नया नहीं है, बहुत पुराना है। ये हमारे भ्राता श्री का गिटार है। भ्राता श्री कौन? मुकेश भैया, हमारे बुआ के लड़के, हमसे काफ़ी बड़े हैं वो, हमसे 2-4 साल बड़े हैं वो, तो उनका गिटार है ये। तो थैंक यू सो मच मुकेश भैया, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपने हमें गिटार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को अगर उनको देखना है तो उनकी इंस्टाग्राम का लिंक नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब चैनल का भी, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्यारा डांस करा करते थे और उनने छोड़ दिया है। वो बहुत कम वीडियो अपलोड करते हैं यार, हमें बहुत बुरा लगता है। हमें चाहिए उनके रिसेंटली जल्दी वीडियो अपलोड हो। तो अगर आपको उनका चैनल देखना है और अगर आपको उनको डांस वीडियोस पसंद आई, तो उनके चैनल पे जाना और बहुत सारा प्यार देना और उनसे बोल लें कि प्लीज़ जल्दी अपनी डांस की वीडियोज़ डाला करें। फाइनल बैग आते हैं हमारे, उस पर आज थोड़ा बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सर जुकाम हो रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने गिटार के बारे में। तो उनके पास ही गिटार है, कम से कम 4-5 साल पुराना, 4 साल पुराना, और उनने 4 साल से इसको बजाया नहीं है। जब हमने उन्हें कॉल करके पूछा कि भ्राता सर, आपका गिटार के क्या हाल है, उन्होंने बोला ठीक है, पड़ा है। मैंने बोला पड़ा है मतलब आप यूज़ नहीं कर रहे हो क्या आजकल? बोले नहीं। मैं कहा कब से? बोले 3-4 साल हो गए हैं, सब यूज़ नहीं किया है। और जब हमने उनसे मांगा, हमारे पास गिटार आया है, तो गिटार के साथ एसेसरीज़ के कैंप पे उनने हमें दी है चीज एसेसरीज़ के, उसमें ये बस बैग। और अगर मैं आपको ये बैग का हालत दिखाऊँ, ये जो धूल और ये गंदगी हो रही है, तो मुझे लग रहा है ये 5-6 साल से नहीं है, और भी पाना 3-4 साल से नहीं है, 6-7 साल से, उससे भी पुराने उनके घर पे पड़ा हुआ होगा। तो बट कोई नहीं, हमको गिटार चाहिए था, हमारे पास गिटार आ गया, थैंक यू सो मच भाई, हमें दे दिया। क्योंकि आजकल आप देखे होंगे कि जब हम कहीं जाते हैं, से बोर्ड मैंने 1-2 हफ्ता पहले दिया था, बट कल शाम को भेजा उनने और आज हमारे पास आ गया, थैंक यू सो मच। तो वैसे आजकल के ब्लॉग में आप हमारे देश में देख रहे होगे कि काफ़ी आर्टिस्ट फीचर होते रहते हैं हमारे ब्लॉग में, तो आपको मज़ा आता होगा जब वो कुछ बांसुरी बजा रहे, गिटार बजा रहे या ढोलक बजा रहे। गिटार तो अभी कोई नहीं हुआ, गिटार भी हुआ है जब मेरा वो छोटा क्लास वाला ट्रिप था, या कुछ वो चीज़ें बजा रहे या वो कुछ कर रहे हैं, तो आपको मज़ा आता होगा। पर हर ब्लॉग में तो कोई हमारे साथ हो नहीं सकता है, और हमारा मन भी था इसे सीखने का, तो हमने सोचा क्यों ना हम गिटार ले आएँ और दो चीज़ और सीखने की अभी हम ट्राई कर रहे हैं, कि हम आपके लिए नई नई चीज़ें सीखें, देन कभी हम आपके साथ जब घूमने कहीं जाएं या मस्ती पहाड़ों में वादियों में, तो हम आपको प्यारी प्यारा सा प्ले करके सुनाएं गिटार। और प्ले करके सुनाने से बात याद आई कि आज जब से गिटार आया है, तब से हमने क्या क्या किया है गिटार के साथ, कितना बजाया है। तो ये देखो, सही बताओ ना, ये गिटार मैंने अभी तक तो कुछ बजाया नहीं है। जितना मैंने ये वीडियो शूट करने के लिए बजाया ना, बस उतना ही बजाया, ज़्यादा मैंने गिटार प्ले कराई नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा घर के काम पे व्यस्त था। आई होप हम जल्दी गिटार बजाना सीख लें, और देन आपके साथ हम कभी कहीं जाएं, तो आपको प्यारे प्यारे गाने सुना के सुनाएं पहाड़ों में। तो कोई सब्सक्राइबर हो मेरा जो गिटार प्ले करता हो, तो हमें बता सकता है। वैसे कई सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो अलग अलग फील्ड में हैं, बहुत प्यारे प्यारे फील्ड में हैं सब्सक्राइबर, क्या बोले उन्हें, हमारे भाई लोग हैं, बड़े प्यारे प्यारे फील्ड में हैं, हमसे मिलते हैं, जब मैसेज आते हैं कि भाई हम भी ये करते हैं, वो करते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है हमें भी। तो हमें बताइएगा कि किसी हमारे सब्सक्राइबर को गिटार बजाना आया है, तो बता सकता है। और ये भी बताना आप पे कौन सा गिटार पड़ा है, और आपको कितना टाइम हो चुका है गिटार बजाते बजाते। और मेरे लिए कोई ट्रिक हो या टिप हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो कि जिसको मेरे को हेल्प मिले गिटार बजाने के लिए, ठीक है, या गिटार जल्दी सीखने में, या किसी ऐसे की वीडियो आप मुझे सजेस्ट करना चाहें कि भैया आप इनकी वीडियो देखो, आप जल्दी गिटार बजाना सीखोगे, या कोई ट्रिक हो, जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट लॉक की बताता हूँ, जब मैं कहीं ट्रैवल में जाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि भैया यहाँ क्या करना चाहिए, या कैसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, डायरेक्ट लॉक्स के बारे में बताता हूँ कि भैया डायरेक्ट लॉक्स ऐसे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो फिलहाल अभी हमको बजाना नहीं आता है,
तो आप में से किसी को आता है तो फिलहाल आप मुझे अभी सजेस्ट कर सकते हो कि भैया ऐसे बजाओ, ये करो और ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिट रहेगी और ऐसे ऐसे आप जल्दी सीखोगे या कुछ भी आप जो बजाना चाहो, उसके बाद हम गिटार बजाना सीख जाएंगे। तो फिर हम ट्यूटोरियल बनाएंगे कि भैया ऐसे गिटार बजाया जाता है, ऐसे ऐसे किया जाता है, ऐसे ऐसे बजा के ऐसे ऐसे धुन निकाली जाती है और ऐसे लोगों को खुश किया जाता है। तो फिलहाल इतना ही है आज के ब्लॉग के लिए। वैसे ज़्यादा लंबा मैं ब्लॉग रखना नहीं चाहूँगा, पर आज का मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, बारिश आ रही है बाहर से, सुबह रात भर बारिश चली थी और दिन में भी बारिश हो रही है। तो अब मुझे पता है बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मैं इनकी इसकी स्ट्रिंग में हल्का हल्का हाथ फेर ऐसे कुछ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक और प्यारा प्यारा सा कोशिश कर रहे हैं हम। कुछ पहला रोमांटिक सीखेंगे, ऐसे बताना आप कि पहले हम क्या सीखें। वैसे फिलहाल मैं इसके कॉर्ड्स देख रहा हूँ कि कैसे कॉर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक से मैं सीख रहा हूँ। मुझे एक चैनल मिला अभी, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट अगर मुझे उसका नाम अभी बाद में मैं बताऊँगा कभी कि कौन है वो बंदा, तो उनने लेसन दिए हैं, बेसिक लेसन स्टार्टिंग टू एंड उनने सिखा रहे हैं। वो सबसे पहली वीडियो में उन्होंने बताया कि इसके पार्ट्स को क्या कहते हैं, इसको इसको हेड कहते हैं, देन इसको नेक कहते हैं, इसको बॉडी कहते हैं, देन इसको स्ट्रिंग कहते हैं, फाइनल स्ट्रिंग होती है, इनको कैसे कसा जाता है, क्या करा जाता है, सारी चीज़ें मुझे बताई हैं। हम देर स्टार्टिंग टू एंड सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम वीडियोस देख के उनकी सीखेंगे कि क्या चीज़ कैसे करी जाती है, क्यों करी जाती है और कहीं को करी जाती है, देन हम सीख जाएंगे धीरे, देन फिर हम अपने चैनल पे इसके ट्यूटोरियल बनाया करेंगे। या पीछे से पप्पा बुला रहे, अगर दिख रहे होंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये दरवाजे में कोने से दिख रहा है, पीछे से देख रहे हैं, हमको कहीं जा रहा है, थोड़ा छोटा सा काम है ना, तो वह तो देर हो रही। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जो मेरा सब्सक्राइबर बजाता होगा तो बताना भाई कितने टाइम से आप गिटार बजा रहे हो और कैसे बजाते हो, क्या बजाते हो, ठीक है, देन हम आपको गिटार बजा के सिखाएंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय बाय।